हाँ जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SLS ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को 8th क्लास के लिए जो है वो वेलकम करता हूँ। 8th क्लास में मैथ की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है कि 2 यूनिट हमने की हुई है, यूनिट नंबर 1 और 2 और 3 हमने आप लोगों को होम असाइनमेंट दी थी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कर ली होगी। अब हम जो है वो यूनिट नंबर 6 जो है वो शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 to 6.6 तक हमने कवर करना है, क्योंकि ये हमारे मैट का जो है वो सिलेबस है। तो मैं आप लोगों को रोज़ाना जो है वो एक एक्सरसाइज कराऊंगा ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर। तो आप लोगों ने जो है वो मेरा लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से देखना है, उसको वॉच करना है, सुनना है, और क्वेश्चन जो है वो कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे और कुछ आप लोगों की होम असाइनमेंट होंगे। तो यहाँ पे जी मैं आप लोगों को 6.1 एक्सरसाइज है, शुरू करते हैं हम अपना काम। 6.1 एक्सरसाइज में जी हमने ये क्या करना है कि इस यूनिट के मुताबिक पहले हम देख लेते हैं कि ये यूनिट है क्या। इसमें अपने फैक्टराइजेशन करनी है, मल्टीनियस इक्वेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास सबसे पहले ये दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे कैमरे में, ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, और दूसरा है a माइनस b होल का स्केयर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इन दो फार्मूलों की मदद से हमने जो है वो यूनिट नंबर एक्सरसाइज 6.1 जो है वो कवर करनी है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 53। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है जी मेरे पास 53। इसका मैंने क्या करना है जी, स्केयर रूट फाइंड करना है, स्केयर फाइंड करना है। तो मैं इसको जो है वो ये मैंने लिख दिया जी स्केयर 53। अब इसको फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 + 3 होल का स्केयर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला यूज हो रहा है जो इस सवाल में, वो है हमारे पास a + b होल का स्केयर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्केयर। ठीक है जी, तो यहाँ पे 50 + 3 का स्केयर है, तो हमारे पास आ गया जी a² + b² + 2ab। ए हमारे पास है 50, बी हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ए का स्केयर यानी 5 है ना, 5 का स्केयर क्या हो गया 25, और 10 का स्केयर है 20, प्लस 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9, प्लस 2 50 100 हो गया। 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300। हाँ जी, इन तीनों को फिर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी, ये 300 और 9 कितना हो गया, 309 हो गया, 2500 बीच में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2809, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो 53 का स्केयर किसकी इक्वल है जी, 53 का स्केयर जो है वो 2809 की इक्वल है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, वो आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आप लोगों ने खुद से करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो जी अब हम करेंगे, और इस तरह हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है कि 77 का स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास हो गया जी 77 का स्क्वायर, इसको भी सेम इसी तरह में करेंगे, 70 + 7 होल का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो 77 किसका स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास 70 है, b हमारे पास है 7 + b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या आ गया जी 7 का स्क्वायर। तो इसको 2ab को आप साइड पे भी लिख सकते हो, मिड में भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 10 का स्क्वायर 20, और प्लस का 2 7 14 हो गया, या 270 हो गया जी हमारे पास 140। 140 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 7 0 0, 7 4 28, 2 कैरी 7 1 7 और 2 9, तो 980 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, 980 + 7 का स्क्वायर कितना हो गया जी 49। इन तीनों वैल्यू को हम फिर प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। तो मैं अभी आपके सामने इन तीनों वैल्यू को प्लस करूंगा जी, मेरे पास आ गया, जस्ट 1 मिनट जी वेट करें थोड़ा सा। हाँ जी, मेरे पास आ गया जी, ये मेरे पास पहली वैल्यू है 4900 + 980 + 49, तो ये मेरे पास आ गया 5929। ठीक है जी, आंसर मेरे पास आ जाएगा 5929। हाँ जी,
मेरे पास आंसर आ गया जी, ये अब 77 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 59 29 के। प्रॉपर हमने इसको जो है वो फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है जी, ये आपको जो है वो स्क्रीन पे सही अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास है जी, हाँ जी, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है जी, उसमें अब हमने क्या करना है कि जो माइनस वाला फार्मूला है वो लगाना है। ठीक है, तो 57 है, 57 को हम लिखेंगे 60 माइनस 3। इसी तरह 95 को हम लिखेंगे 100 माइनस 5। तो दो क्वेश्चन इसी में भी सेम है, इसी तरह आपको कराऊंगा जिस तरह पहले सवाल के कराए हैं। तो मेरे पास है 57, इसका मैंने क्या करना है जी, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फार्मूला मैं यूज़ करूँगा ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फार्मूला मैं जो है वो यूज करूँगा, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब जी हमने क्या करना है, 57 है तो इसको हम लिख सकते हैं 57 इज इक्वल टू 60 माइनस 3। ठीक है, तो 50 इसमें हम क्या करेंगे, 57 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। तो 60 माइनस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 AB। 2 AB यानी 2 A की वैल्यू कितनी है जी, A की वैल्यू मेरे पास है 60 और B की वैल्यू कितनी है जी, B की वैल्यू है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम A मेरे पास आ गया, यहाँ पे जी हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 60 36 और साथ में 00 लगा देंगे माइनस 260 और 120। 120 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो हमारे पास आंसर आएगा, हाँ जी, 120 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 120 मल्टीप्लाई 3, तो 360 आ गया 360 और साथ में प्लस 3 का स्क्वायर 9। फिर हम इन तीनों वैल्यू 3 3 36 0 9 माइनस 360 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, हम क्या करते हैं जी, 3 3 6 0 9 माइनस हम करेंगे 360, तो 3249 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया जी, 3249। हाँ जी, आप अगर कैलकुलेटर पे आप वेरीफाई कर सकते हो, आपका जब 57 मल्टीप्लाई अगर 57 करो तो आपके पास यही आंसर आता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें तीन पार्ट हैं, वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 46 है, 46 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 4। इसी तरह 54 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये देखें, 50 माइनस 4 बनी वैल्यू इंटू 50 प्लस 4 बनी वैल्यू। तो ये आपके पास आ गया a माइनस 4 a प्लस 4। तो हम इसको कर सकते हैं a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 25 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो 25 में से जब हम 16 निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा जी 24 8 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास, ये मैं रिपीट कर देता हूँ, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। जो 46 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 4, इसी तरह 54 को लिख सकते हैं 50 प्लस 4। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2500 माइनस 16, तो ये आ गया 2484। ठीक है जी, उसके बाद अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 का 1 पार्ट है। एक ही पार्ट मैं कराऊंगा, आप लोगों ने बाकी खुद से करने होंगे। 4 का हमारे पास है 1 पार्ट। ठीक है, 4 4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है और एक्स प्लस 1 की वैल्यू, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 7। हम क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया
ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया जी 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर आ गया आपके पास 49। ठीक है जी, अब ये जो एक्स है और 2x 1 ओवर x है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2 इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये 2 इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जी, हमारे पास आंसर आ गया 47। ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ जी, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर हम हमारे पास था, हमने सॉल्व करना था, तो उसके बाद एक्स प्लस 1 ओवर x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हमने लिख दिया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक वैल्यू दी गई है, तो ओपन किया स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 49, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 49 हो गया। फिर क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 47। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसमें आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे अपनी क्लास जो है वो एंड करता हूँ, और इंशाल्लाह कल हम जो है वो नई एक्सरसाइज के साथ जो है वो ऑनलाइन होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।